हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी कद्दू पूरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने चार छोटे पीस कद्दू के लिए हैं और इनके छिलके और बीज हमने निकाल दिया है। अभी कद्दू को हम ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने कद्दू को ग्रेट कर लिया है। तो अभी पूरी बनाने के लिए हमने एक बर्तन में लिया है 2 कप मैदा। इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सूजी। सूजी डालने के बाद अभी हम डाल देंगे चॉप्ट किए हुए धनिया के पत्ते, 2 चम्मच चॉप्ट किए हुए हरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1/2 चम्मच क्रश्ड अजवाइन। और अभी हम डाल देंगे ग्रेट किए हुए कद्दू। कद्दू डालने के बाद अभी इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी पानी डाल के एक सख्त डो बना लेंगे। तो देखिए हमने डो बना लिया है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो लगभग 20 मिनट हो चुका है। अभी इस डो को फिर से थोड़ा सा मसल के सॉफ्ट कर लेंगे। तो अभी हम लुई काट लेते हैं। तो अभी इसे बेल लेते हैं। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा सूखी मैदा डस्ट करके एक पूरी बेल लेंगे। नॉर्मल हम जैसा पूरी बेलते हैं उससे थोड़ा सा मोटा पूरी ही हमें बेलना है। पहला वाला पूरी हमने बेल लिया है। अभी इसे तल लेते हैं। तो कढ़ाई को चूल्हे पर गर्म करने के लिए हमने बिठा दिया है। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अभी हम डाल देंगे तेल। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी हम डाल देंगे पूरी और मीडियम टू हाई फ्लेम पर पूरी को तलना है। पूरी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अभी इसे तेल से निकाल लेते हैं और ऐसे ही बाकी के भी हम बना लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।